तो जब भी नई नई वीडियो एडिटिंग कोई सीखता है तो बहुत सारी ऐसी गलतियां करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए और उन गलतियों के बारे में उसे पता भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स की जो कि न्यू वीडियो एडिटर्स या फिर बिगिनर्स करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है और वो इफेक्टिवली वीडियो एडिटिंग सीख भी नहीं पाते हैं। मैं 5 साल से ज्यादा वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो गलतियां जो मैंने स्टार्टिंग में करी पर मैं नहीं चाहूंगा कि आप करें, मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उन गलतियों से सीखें और वो गलतियां खुद ना करें। तो मुझे जो लगता है कि मैंने गलतियां करी थी स्टार्टिंग में या फिर जो नए लोग गलतियां करते हैं स्टार्टिंग में, उन गलतियों के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं, उनको सही कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो पहली गलती न्यू वीडियो एडिटर्स या फिर बिगनर्स करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ट्यूटोरियल उठाते हैं कोई भी, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू एडिट वीडियोस और हाउ टू लर्न प्रीमियर प्रो या फिर प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल या फिर किसी इफेक्ट का ट्यूटोरियल, हम बैठ के उस वीडियो को बस देखते रहते हैं। हम एक वीडियो देखते हैं, हम दो वीडियो देखते हैं, हम बस बैठे बैठे वो वीडियोज देखते रहते हैं, हम कभी एक्चुअल में उसको एडिट करके नहीं देखते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो कि नए लोग करते हैं, बिकॉज अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखते रहोगे और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी वो चीज़ एक्चुअल में सीख ही नहीं पाओगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि बस वीडियो देखे जा रहे हो, ये करो कि आप ट्यूटोरियल देखो। ट्यूटोरियल देखने में कोई गलती नहीं है, पर ट्यूटोरियल के साथ साथ वो चीज़ प्रैक्टिस भी करो। ट्यूटोरियल खोलो, उसको भले ही एग्जैक्ट कॉपी करो, आपको अपना पीसी खोलना पड़ेगा, आपको अपना सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, आपको उसमें एडिट करके देखना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो जो दूसरी गलती बहुत सारे एडिटर्स करते हैं, नए एडिटर्स करते हैं, वो ये है कि हम लोग जो भी इफेक्ट हमने जो भी सीखा हम क्या करते हैं, कोई वीडियो ली, हमें जो इफेक्ट मिल रहा है लगा दिया, जो ओवरले मिल रहा है लगा दिया, जो भी ट्रांजिशन मिल रहा है लगा दिया, साउंड इफेक्ट सारे लगा दिए, जो इफेक्ट मिला लगा दिया। ये नहीं करना है। हम लोग शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमें वीडियो एडिटिंग नई आई है तो हम सब कुछ एक ही वीडियो में लगा देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये वीडियो तो बेस्ट वीडियो होनी चाहिए दुनिया की, पर आपको ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी पहली वीडियो कभी भी आपकी बेस्ट वीडियो नहीं हो सकती है। ओके, तो मेरा एक दोस्त है जिसने भी वीडियो एडिटिंग करते हुए कुछ टाइम हो गया उसको भी, तो मैं चाहूंगा कि उसका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपको बताऊं, बिकॉज मैं अगर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा तो हो सकता है वो सबके साथ मैच ना करे, तो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उससे भी बात करते हैं क्योंकि उसे भी कुछ एक रीसेंट एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग का, तो करते हैं उससे बात। जो भी लोग नई नई वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं, और अभी तुमसे हमें क्या चाहिए, तुमसे हमें चाहिए कि तुमने क्या क्या गलतियाँ करी थी जब शुरू करा था, और तुम्हारे हिसाब से क्या क्या ओपिनियन है, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या गलतियाँ लोग करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं मतलब अपने बताऊँ तो अभी भी गलती कर रहा हूँ। जब आप सीखने जा रहे हो तो उससे पहले एक गलती और करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें पहुंचना कहाँ है। तो जब अगर एडिट करता है तो इसका चैनल मोस्टली वीएफएक्स के ऊपर है, तो इसको आफ्टर इफेक्ट्स और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ती, ऑन दी अदर हैंड मुझे कभी कभी म्यूजिक प्रोडक्शन करता हूँ तो एफएक्स स्टूडियो की जरूरत पड़ती है, वरना ज्यादातर मेरा प्रीमियर प्रो में काम हो जाता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको सीखना क्या है। लेकिन मतलब सबसे बड़ी गलती यही है कि बहुत ज्यादा टाइम सीखने में लगाते रहते हैं, जैसे कि मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, मैंने काफी टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी अपने चैनल पे, इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढता रहता हूँ। आपको परफेक्शन नहीं ढूंढना है, बस जाओ उसमें कुछ ना कुछ करते रहो। तो अगेन वही चीज कि अपनी पहली वीडियो को बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। इवन मैं इतना ज्यादा टाइम हो गया वीडियो एडिटिंग करते हुए, बट फिर भी मैं अगर अपनी 1 साल पहले की भी वीडियो देखता हूँ, 1 साल पहले मैं ठीक ठाक था वीडियो एडिटिंग में, पर आज मैं जब वो 1 साल पहले की वीडियो देखता हूँ तो वो मुझे बेकार ही लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या एडिटिंग करी है मैंने। तो बेस्ट वीडियो तो कभी नहीं बना पाओगे। आपको बस कोशिश ये करनी है कि आप जो भी वीडियो बना रहे हो वो आपकी पिछली वीडियो से बेटर हो। आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, और यही वो तीसरी गलती है जो बहुत सारे वीडियो एडिटर्स करते हैं। वो टाइम नहीं देते, उन्हें चाहिए कि पहली वीडियो या दूसरी वीडियो ही एक बहुत ही बढ़िया वीडियो होनी चाहिए। जब दूसरी तीसरी वीडियो उनकी बेकार बनती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ सीख ही नहीं पा रहे, या फिर वीडियो एडिटिंग बेकार चीज़ है, ये हमें सीखनी ही नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियस है ना, अगर आप किसी ऐसे बंदे को देख रहे हो जैसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो आप 2 दिन में उसकी जैसी वीडियो तो बना नहीं लोगे। दैट्स जस्ट सिंपल कॉमन सेंस। वीडियो एडिटिंग का जो लर्निंग कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस लर्निंग कर्व के हिसाब से आप वीडियो एडिटिंग स्टार्टिंग में बहुत ही जल्दी सीखते हो और बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करते हो, बट जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाता है वैसे वैसे आपकी ग्रोथ स्लो होती जाती है, और ये चीज़ शायद मोस्ट स्किल्स पे वैलिड है। तो अगेन आपको बस फोकस करना है कि आप जो भी वीडियो बना रहे हो वो आपकी पिछली वीडियो से बेटर हो, बाकी आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप कभी परफेक्शन नहीं ला सकते, यहां परफेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हर रोज कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, कोई ना कोई नया इफेक्ट मार्केट में आएगा, कोई नया ट्रांजिशन आएगा, कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ सीखनी है। कोशिश ये नहीं करनी है कि हम एक ही बार में सब कुछ सीख लेंगे,
ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज कि काफी सारे लोग बिगिनिंग में न्यू एडिटर्स जो होते हैं वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स नहीं सीखते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल चीज होती है जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। आपका वर्कफ्लो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो, इन सब में कीबोर्ड मैपर होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट मैपर होता है, यानी कि आप अपने आप से कस्टम शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, अपने आप से कस्टम शॉर्टकट की बना सकते हो, जिस भी चीज की आप बनाना चाहते हो। तो आप जो भी चीज फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, जो भी इफेक्ट फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, जो भी आप टूल फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, उस चीज का आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हो अपने हिसाब से, एंड उससे काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है काम। एंड द फिफ्थ पॉइंट आई वुड से इज गियर डोंट मैटर इन द स्टार्ट। शुरुआत में गियर्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब एकदम 3080 Ti RTX 3080 Ti वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए, एकदम 32 GB रैम चाहिए स्टार्टिंग। बस एडिटिंग सीखना शुरू करने से पहले ये सब चीज़ मतलब जरूरी होती है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बहुत ही बेसिक पीसी से एडिटिंग शुरू कर सकते हो, जब आप उस पर अच्छे हो जाओ, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये चीज़ आपको पसंद आ रही है, ये चीज़ आप कर सकते हो आगे जाके, तब इन्वेस्ट करना एक ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। ना कि आपने सोचा कि अच्छा एडिटिंग सीखनी है तो मेरे को तो मतलब एकदम हाई एंड पीसी लगेगा, तो हाई एंड पीसी लेके रख लिया, चार दिन बाद लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे तो एडिटिंग करने में, फिर क्या करोगे उस पीसी पे? कोशिश करो कि आपके पास जो है, जो भी बेसिक सा भी लैपटॉप है या बेसिक सा पीसी है, उससे आप वीडियो एडिटिंग शुरू कर सकते हो। और आजकल तो मोबाइल पे भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो शुरू, तो जस्ट स्काई इज द लिमिट। एट द एंड वीडियो एडिटिंग इज ऑल अबाउट फील। अगर आपकी वीडियो में फील आ रहा है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है देखने में, अगर व्यूअर एंजॉय कर रहा है, तो भले इसमें सिर्फ 2-3 इफेक्ट्स लगे हुए हैं, नहीं मैटर करता। बट अगर आपकी वीडियो में फील ही नहीं है, तो आप शायद उसमें 1000 इफेक्ट भी भर दो, तब भी मजा नहीं आने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर कुछ हेल्प हुई है तो जाके लाइक कर देना, कमेंट बता देना आपको आगे किसी चीज़ के ऊपर भी वीडियो चाहिए, कोई भी आपका डाउट हो वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, एंड उसको मैं जरूर एड्रेस करूंगा। तो बस जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स दोबारा ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।